देश की राजनीति बदल रही है। अब राजनीति जो है ना वो किसी की बपौती नहीं रह गई है, किसी जाति की, किसी बिरादरी की। अब इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है और वो राजनीति को समझने लगा है। उससे भी बड़ी बात है कि वो TV के खेल को समझने लगा है। मैं इस समय UP में हूँ, न्यूज रूम में बैठ के, स्टूडियो में बैठ के पहले ये हवाबाजी की गई कि मुसलमान कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, बट रहा है, जाट नहीं दे रहा है, तो यादव ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो दलित ट्रांसफ़र नहीं होगा, फलाना ढमकाना। अब आजम खान को लेकर बातचीत हो रही है कि उनका टिकट काट दो, उन्होंने महिला का अपमान किया। आम लोग, आम मुसलमान कैसे सोचता है और दूसरे बिरादरी के लोग भी कैसे सोचते हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो 2-3 मुद्दे हैं, उसी पर हम बात करेंगे कि मुस्लिम समाज कैसे सोच रहा है, खासकर UP में, क्योंकि बहुत क्रूशियल वोट है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अख्तर। क्या करते हैं जी? मैं सभासद हूँ, नौगावा सदात। क्या क्या होगा इस बार UP में? लबोलो आप बताइए। लबोलो आप क्या है, तो एक तरफा मान लिया इलेक्शन है। दानिश अली साहब, ये जो गठबंधन है, यहाँ लोग ज़्यादातर उनसे जुड़े हुए हैं और उन्हीं के रौ में बह रहे हैं लोग। मुस्लिम समाज में आप लोग घूमते हैं, बातचीत होती है, क्या क्या कह रहे हैं लोग? मुस्लिम समाज भी ज़्यादातर जो है वो गठबंधन की तरफ गया। मतलब कुछ है कांग्रेस के पास? जी, कांग्रेस के पास नहीं है, बस थोड़ा बहुत अगर ये चला जाए चला जाए, लेकिन ज्यादा जो है 95% जो मुस्लिम है वो गठबंधन। आजम खान वाला बयान जो TV चला रहा है, उस पर क्या कहेंगे? ये आजम खान तो बेबुनियाद है, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, ये तो एक सियासत इस पर चल पड़ी है, समझे, सियासत खेली जा रही है, इसे उठाया जा रहा है मुद्दों को ताकि लोगों का दिमाग इसको फटे और ये गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। चलिए, तो अच्छा है कम से कम TV के खेल समझ रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? खलील अहमद। क्या लग रहा है, आप सहमत हैं उनकी बातों से? हाँ, लगभग सहमत हूँ। आजम खान को फंसाया जा रहा है, आजम खान को बेबुनियादी तौर पर। आप लोग को लगता है कि उन्होंने अमर सिंह को कहा था? नहीं, उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन 17 साल से पार्टी में तो अमर सिंह ही थे ना। अमर सिंह थे, लेकिन अब उनका पत्ता कट गया है, तो इसलिए वो मतलब ये उल्टी सीधी बातें करके मतलब उनको वो करना चाह रहे हैं। मुसलमान एक जगह वोट, मुसलमान 100% मतलब गठबंधन को जा रहा है, इसमें कोई चूक नहीं। और गठबंधन ही UP से भाजपा का सफाया करेगा, ये मेरा विश्वास है। मतलब मुसलमानों का वोट देने का पैरामीटर है BJP को कौन हराएगा? हाँ, मन बना लिया है साहब, गठबंधन। क्या करते हैं? मैं मतलब ये सभासद, वार्ड नंबर 14, नगर पंचायत नौगांव। कैसा लगा जब आप लोग पिछले 5 साल में एक भी मुसलमान? बस 5 साल तक हमें ऐसा लगा कि हमने कहीं सुख चैन देखा ही नहीं, किसी भी आदमी को हमने अच्छे से बात करते हुए देखा, सब परेशानी के हाल में जूझे हैं, कोई किसी GST को लेके, कोई किसी चीज़ को लेके, कोई कारोबार से लेके, हर आदमी परेशान रहा है 5 साल। निशाने पर मुसलमान, दलित रहे। यस यस, मुसलमान और दलित को तो इतना मतलब सताया गया है कि शायद 5 सालों में किसी को नहीं सताया गया। अगर अब भी आंख ना खुली तो फिर इसका तो कोई वो नहीं है। आपका क्या नाम? रिजवान हैदर सभासद। क्या लग रहा है आजम खान वाले मामले? आजम खान वाला मसला जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। एक आरोप लगाया जा रहा है इसलिए कि गठबंधन जो है वहाँ मजबूती से लड़ रहा है, समझे, यूपी के अंदर पूरी गठबंधन मजबूती से लड़ रहा है, उन पर एक आरोप लगाया जा रहा है इसलिए कि लोग बिखरे, वोट बिखरे, बस। आप लोग समझ रहे हैं? जी जी, हम लोग समझ रहे हैं, खूब अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। ये समझ में आ रहा है, TV वाला कह रहा है कि उन्होंने जया प्रदा को कहा, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमने अमर सिंह को कहा ना? अमर सिंह को कहा, उन्होंने गोपनीय कहा, किसी का नाम तो लिया नहीं है उन्होंने, किसी का नाम लेते वो तो हाँ उसके अंदर था कि फला का नाम खोला, उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया। TV देखते होंगे तो आप लोग डर जाते होंगे कि मोदी फिर से आ रहे हैं। मोदी आएंगे नहीं, आएंगे ही नहीं मोदी, तो डरेंगे कैसे? क्या नाम है आपका? शिबाल हैदर। क्या करते हैं? मैं सभासद हूँ और थोड़ा सा अपना कारोबार है यहाँ पे नौगावे में, और गठबंधन से जुड़ा हुआ हूँ। जुड़े हुए हैं जी। आजम खान वाला बयान पर क्या कहेंगे? देखिए, आजम खान साहब ने अगर किसी को कहा भी है अंडरवियर वाली बात, तो किसी आदमी को कही है, किसी लेडीज को नहीं कही, ये सब बेकार की बातें हैं। वो साहब के किसी लेडीज को कही है, उन्होंने अगर कही भी है तो किसी आदमी को कही है, किसी भी आदमी को कही है, अब बल्कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अगर कही भी अंडरवियर तो आदमी को कहा है, किसी लेडीज को नहीं कहा। खाकी चड्डी बहुत फेमस है, खाकी चड्डी तो फेमस है RSS की, और वो जो जिनको कहा है वो पहनते होंगे, 17 साल में उन्होंने नहीं पहचान पाए जो इनके साथ राजनीति कर रहे थे, अब 17 दिन में उन्होंने पहचान लिया कि इनके अंदर भी खाकी नेकर था, अंडरवियर था, और वो किसी जेंट्स के लिए है, लेडीज के लिए नहीं है। ये सब मीडिया की मनगढ़ंत बातें चल रही हैं इस पे,
और वो भी नौटंकी करके उस पर रोने लगती हैं कहीं भी। कुछ मुसलमान वोट जाएगा कांग्रेस को कि नहीं? यहाँ से तो ऐसा लगता नहीं हमारे यहाँ से कि कांग्रेस में कोई जाएगा, कोई एकाध कोई पार्टी वोट चला जाए तो दूसरी बात है। बंदा क्या लगता है आपको, क्या लगता है, क्या नाम है? क्या लग रहा है? वार्ड नंबर 4। किस बारे में? कांग्रेस को वोट जाने के बारे में? कांग्रेस को कोई वोट नहीं दे रहा। नहीं, पार्टी वोट 2-4, 10-20 जा सकता है, लेकिन जो उसके कार्यकर्ता सब लोग गठबंधन से जुड़े हुए हैं और गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं। अमरोहा में कितने मुसलमान होंगे? 6 लाख के करीब मुसलमान हैं अमरोहा। दलित 2.5 लाख दलित हैं, 45,000 यादव हैं, 45,000 यादव हैं और कुछ जाट हैं। मुस्लिम बड़ा फैक्टर है? बड़ा मुस्लिम, सबसे बड़ा मुस्लिम ही, अक्सरियत में मुस्लिम है सीट पे। यहाँ तो सब लोग गठबंधन से जुड़े हैं और दानिश अली को वोट कर रहे हैं। दानिश अली को वोट कर रहे हैं? दानिश अली। तो दिल्ली में बैठ के बात करना आसान है, आप कभी गांव में आइए, आप बात करेंगे दोस्त है? क्या नाम है? मोहम्मद इमरान। क्या करते हो इमरान? टीवी भी देखते हो कि नहीं? जी। कैसा लगता है टीवी देख के? जी ऐसे सही लगता है, न्यूज वगैरह। मोदी जी का भाषण कैसा लगता है? सभी लोग परेशान हैं। डर नहीं लगता है? बहुत डर लगता है उन्हें देख के, उनके फेस से डर लगता है। तो देखिए ये हकीकत है और बड़ा फैक्टर है। अगर मुस्लिम वोट एक मुस्त गठबंधन को जाता है तो जो गठबंधन का जो अलायंस है ना, अखिलेश, मायावती और RLD, ये जिताने के लिए काफ़ी है। ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये तीन फैक्टर हैं, दलित, मुसलमान और पिछड़े, उसमें जाट भी इंक्लूड हो रहा है, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। इसमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अभी तो पहले दौर का मतदान हुआ है। अभी आजम खान समेत मायावती पर बैन, पर क्या राय है आप लोगों की? चुनाव आयोग ने जो बैन लगाया है, देखिए चुनाव आयोग अपनी जगह सही कार्य कर रहा है। जो भी चुनाव आयोग करता है वो सही कार्य कर रहा है, उस पर तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हाँ, इतना है कि आप किसी को भी विधायक बयान नहीं देना चाहिए कोई, और ये धर्म के आधार पे वोट मांगना कोई नहीं, कोई ऐसा बयान नहीं। तो धर्म तो जम्मू कश्मीर BJP तो सब दिन राम मंदिर का मुद्दा लगाती, तो वो धर्म नहीं है? भाई BJP की तो बात ही अलग है, BJP ने तो ये पार्टी रखा है। तो चुनाव आयोग BJP तो कार्रवाई करती नहीं है भाई, BJP की क्या कार्रवाई होगी? उनके अभी बॉक्स हमने देखा, एक क्लिप देखी अभी, जो खाने के बॉक्स है जहाँ पे इलेक्शन हुआ है नोएडा के अंदर, वहाँ पे जो खाने उस पर नमो लिखा हुआ है और प्रशासन उन डब्बों को बांट रहा है और उसका जो कलर है वो वही है। आप क्या कहेंगे मायावती पर जो बैन लगा है? मायावती जी ने सिर्फ ये कहा था कि मुस्लिम समुदाय के लिए कहा था कि मुस्लिम एकजुट होकर के वोट ना बिखरे, एकजुट होकर के इसको एक जगह वोट डालें। तो इस पे आयोग ने, इन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं ने, BJP ने इन पर आरोप लगाया, क्योंकि BJP इस टाइम सत्ता में है तो उसका असर मानेंगे। आयोग भी मतलब ये कि इस चीज़ पे बैन नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम समुदाय को एक जगह इकट्ठा होकर वोट डालने के लिए कहा था। रही बैन ठीक है, गलत नहीं? नहीं, बैन तो ठीक ही है, लेकिन एक परेशानी आ रही है कि बैन सब पे ही होना चाहिए। फिर मायावती अच्छी बात कर रही है इसलिए उन पर बैन लग रहा। BJP सब कुछ कह रहे हैं वो लोग, यानी वही काम BJP कर रही है, धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है लोगों को, समझे? तो उस पे बैन नहीं लग रहा, बैन सब पे लगना चाहिए जो भी गलत बयान करे, चाहे मायावती हो। गठबंधन के लिए बात कर रही थी ना, कि किसी धर्म या जाति के लिए बात कर रही थी, पूरा गठबंधन से कह रही थी। उन्होंने दलितों से भी कहा, मुसलमानों से भी कहा कि सब आप एकजुट होकर वोट करें, कोई वोट बिखरे नहीं। तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई, इस पे काय का बैन था? अभी आप मध्य प्रदेश में गिरिराज सिंह को देखो, कैसे कैसे बयान देते हैं, उन पे तो आज तक बैन नहीं लगा। और जो ये मुरली मनोहर जोशी ने कितने बयान दिए हैं मुसलमानों के खिलाफ, खुल्लम खुल्ला ये मंदिर का मस्जिद का मुद्दा लाया BJP ने, बाटा ही धर्म के नाम पे BJP ने, इन पे किसी पे बैन नहीं लगता। सियासत ये सिर्फ धर्म की हो रही है, धर्म की सियासत जब तक होगी यही होगा। अब आजम खान पे बैन लगने वाला होगा जहाँ तक इनका, आजम खान पे बैन लगेगा। जयप्रदा जी जहाँ जा रही है वो अपने भाषण में, वो तो अदाकारा है, रो भी सकती है और हंस भी सकती है, समझो, तो एक एक्टिंग कर सकती है, अदाकारा है। अगर वो रो रही हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उनका रोना। देखिए मैं सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि राजनीति अब किसी चंद लोग की बपौती नहीं रह गई है जी। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग खेल समझने लगे हैं और खेल में शामिल भी होने लगे हैं। मेरा इंटरेस्ट यही है
वो बात करना भी सीख रहे हैं, वो बात भी कर रहे हैं, वो टीवी अखबार को भी समझ रहे हैं, राजनीति को भी समझ रहे हैं, और जो जो सवर्ण समाज मीडिया में जाके जो अपनी आवाज़ को जिस तरह से बुलंद करता है, और 15% लोग कैसे सत्ता पर हैं, 85% लोगों के अंदर जिस दिन वो सामाजिक समझ आ गई, राजनीतिक समझ आ गई, इस देश की तस्वीर बदल जाएगी। शुक्रिया आप सब लोग का हमसे बात करने के लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, अमरोहा, यूपी। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।